बाहर से, क्योंकि मुझे बनाने तो मुश्किल लग रहे हैं। तो हमें जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो अब करते हैं, नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ के उसके बाद बाकी की तैयारी करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुआ कर रहे हैं के बाद खाते हैं, तो इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कराते रहें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आपको रमजान अल मुबारक की 14वीं अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक करे कि सबका रमजान बहुत अच्छा गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है। और यह है कि अभी तक पूरे रोजे मेरे आ रहे हैं और अल्लाह करे कि आगे भी पूरे ही रखूं। तो ये है कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि मैं अपनी सारा दिन की मसरूफियत में साथ साथ आपको भी रखूंगी। तो आज बड़े भाई जो हैं, पहले हमारा फ्रूट्स वगैरह सब कुछ बड़े भाई लाते थे, तो हमें नहीं जाना पड़ता मार्केट, इसलिए हमारी सहरी भी और अफ्तारी भी मैं आपके साथ कभी भी शेयर नहीं की, क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली के साथ ही होती है, मतलब अलग नहीं होते, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकती। तो आज जो है बड़े भाई ने बोला है कि फ्रूट भी आप लोग लाओगे और अफ्तारी भी आप लोग बनाओगे, तो मुझे मुश्किल भी बहुत लग रहा है। और ये मैंने कहा चलो मैं आपको भी साथ में शामिल कर लेती हूँ। तो अभी चलते हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, फिर वो तैयार करेंगे, अफ्तारी बनाएंगे, तो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे ऊपर आया जो है तो मैं बनाती हूँ। तो भाई ने बोला अब देखो कि आगे या तो ऐसे करेंगे कि 15 रोजे हमने बनाए या 15 रोजे आप लोग बनाओ, तो या फिर अल्लाह करे कि ऐसे करे कि वो खुद ही बनाए, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है ना मार्केट जाना रोजा रख के, मैं नहीं जा सकती। तो ये है कि चलो फ्रूट तो बंदा 2 दिन का 3 दिन का एक्स्ट्रा ले आता है, लेकिन तैयारी करना भी तो बहुत मुश्किल होती है ना, इसलिए अभी मैं करूंगी तैयारी जी। तो YouTube फैमिली अभी चलते हैं मार्केट, तो वहां जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पता नहीं इस टाइम रश होता है या नहीं होता, लेकिन पहले तो शाम में तो बहुत ज्यादा रश होता है, इसलिए मुझे मार्केट भी शाम को जाना है। कुछ चूड़ियां वगैरह लेनी थी जो कि गांव भेजनी है, तो शाम को चलेंगे मार्केट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आपको। तो अभी पहले मैं पर्स भी चेक कर लूँ ना कि खाली पर्स लेके ना चली जाऊं मार्केट, इसलिए चलें जी गुजारा होगा। ठीक है अभी चलते हैं मार्केट जी। तो प्यारी YouTube फैमिली, मैं वापस आ गई हूँ और मैंने मार्केट जाने की जहमत तो नहीं की, बस ये है कि करीब करीब से कुछ फ्रूट्स ले आई हूँ। अभी मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट, तो अब मैं सुकून से आके बैठी हूँ, अभी असर की नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ने के बाद फिर हम फ्रूट बनाएंगे, फिर हम अफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो ये है कि कुछ बनाती हूँ, बना के रख देती हूँ फ्रिज में जो कि ठंडा होने वाला है, और बाकी दही बड़े वगैरह वो मंगवाते हैं बाहर से, क्योंकि मुझे बनाने तो मुश्किल लग रहे हैं, और पकौड़े वगैरह या रोल ये भी देखती हूँ, अगर बनाए तो नहीं बनाए तो फिर बाहर से मंगवाती हूँ। तो करते हैं आज की तैयारी जी। तो मैं कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी और रहमत लगी हुई है किचन में, तो मैंने कहा तैयारी कर लेते हैं, ये फ्रिज में रखने वाले जो है काट के फ्रिज में रखते हैं ताकि अफ्तारी तक हो जाएंगे ठंडे, और बहुत मज़ा आता है ठंडा फ्रूट खाने में। मैं तो हमेशा ये है कि भाभी बनाती है ना, फ्रूट की जिम्मेदारी भाभी की है, तो ये वो बना लेती है दिन में, और साथ साथ जोर की नमाज पढ़ के बना लेती है, बना के फ्रिज में रख देती है। और वैसे भी गर्मी इतनी है ऐसे लगता है तरबूज से बिल्कुल आग निकल रही है, तो
अभी थोड़ा टाइम रह गया है इफ्तारी का, ये रखते हैं बनाकर फ्रीजर में और फिर पकौड़े बनाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है चूल्हे पे बैठ के बनाना। और गर्मी भी इस दफा बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मी भी इस दफा इतनी ज्यादा हो गई है ना कि यूं लगता है तरबूज से आग निकल रही है और इतने फ्रूट गर्म हो रहे हैं। जाहिर है वो कुछ जिनकी दुकानें हैं वहां पर तो फिर भी चलो फैन वगैरह लगे हुए हैं दुकान में जो बेच रहे हैं, और जो बेचारे ठेले वाले, मैं ज्यादातर ठेले वालों से लेती हूँ क्योंकि दुकान वालों के पास तो फिर भी अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, लेकिन ये है कि ठेले वाले जो बेचारे खड़े होते हैं सारा दिन धूप में खड़े होते हैं तो फर्क कोई नहीं होता, एक जैसा होता है फ्रूट, लेकिन ये है कि वो उनकी थोड़े अखराजात वो होते हैं इसलिए वो बेचारे ठेले लगा के खड़े हैं तो उनसे कम लोग लेते हैं कि नहीं जी ठेले वालों के पास चीज अच्छी नहीं होगी। बात वो नहीं होती है, चीज अच्छी होती है लेकिन वो थोड़े गरीब होते हैं ना इसलिए। और जो अमीर हैं, जो एसी लगा के बैठे हैं, जो फैन लगे हुए हैं तीन तीन चार चार दुकान में, तो वो बेच रहे हैं तो जाहिर है उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो लोग वहीं पर ज्यादा जाते हैं कि बस इनके पास फ्रूट अच्छा होगा। बहरहाल अल्लाह पाक सब पे मदद करे, तो हमें जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे ये है कि हमने तो लेना ही है तो दूसरों का भी भला हो जाएगा। रहमान ये ले जाओ फ्रिज में रखो जी। तो रहमत को मैंने दिया है तरबूज काट के कि फ्रिज में रखे, तो अभी मैं काट रही हूँ गर्मा, लेकिन ये है कि ताजा नहीं होता। ओहो नीचे गिर गया, ताजा नहीं होता ना क्योंकि इन्होंने तो चलाना ही होता है, जो मार्केट होती है वहां पर ये फायदा होता है कि जो चीज भी लो बिल्कुल ताजा मिलती है, बचती नहीं है ना उनके पास इसलिए। तो यहाँ पे ये है मोहल्ले में, मोहल्लों में और छोटे छोटे ये जो मार्केटें होती हैं घर के पास, ये कल वाली चीजें भी रख देते हैं। बहरहाल जो भी है मैं तो ले आई हूँ क्योंकि मुझे ये फायदा लगा है कि दूर जाने में बहुत गर्मी थी, बहुत थोड़ा महंगा देते हैं करीब की जो मार्केट होती है, और जो बाजार होते हैं बड़ी मार्केट है तो वहां पर तो जाहिर है हर चीज सस्ती होती है। मैंने आज के लिए लेना था इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन करीब से लेते हैं, या तो बंदा सुबह सुबह में जाए ना तकरीबन 8-9 बजे तक 10 बजे तक तो फिर सही मिलता है फ्रूट, नहीं तो दिन में तो इतना रश हो जाता है, इतनी गर्मी होती है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया। अभी मैं बुलाती हूँ अपनी देवरानी को, वो कर रही है रेस्ट, तो उनको बोलूँगी कि मेरे पास बैठो बातें भी करो और टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा, तो ये है कि तैयारी भी हो जाएगी। तो ये भी बना लिया है मैंने और असर की अजानें भी हो गई हैं, तो अब मुझे पढ़नी होगी नमाज, नमाज पढ़ के फिर चलेंगे जी। तो अब थोड़ा सा मेरा काम रह गया है, मैंने नौमान को बोला है, मेरे देवर का बेटा है नौमान, तो अम्मी को बुलाओ, तो वो बोल रहा है कि अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ कुरान पाक पढ़ रही हैं, तो ऊपर हैं वो तो अभी आई नहीं है, तो जब तक मैंने कहा चलो मैं अपना काम पूरा कर लेती हूँ और जी, तो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। रहमत ये ले जाओ जी। तो अभी ये रह गए हैं सेब और केला, तो ये मैं इसलिए नहीं काट रही अभी कि थोड़ा टाइम रहता है तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ी देर तक काटूंगी ताकि काले ना पड़े। और बाकी मैंने तकरीबन कर लिया है, अब मैं पढ़ूंगी नमाज पढ़ के उसके बाद फिर से ये बना के रखते हैं।
असल में पता है क्या, ज़िंदगी का जो मज़ा होता है ना वो डिमांड सिस्टम में होता है। जैसे कि गांव में जाते हैं ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, और यहाँ अकेले में दो चार छः लोगों में क्या मज़ा होता है। बहरहाल जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो मेरा देवर बोलता है भाभी चले चलते हैं ना, बस अब यहाँ पर नहीं रहना। तो फिर जब वहाँ का सोचती हूँ तो वहाँ मुझे बहुत मुश्किल लगता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। एक तो गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी शदीद होती है। तो पहले ये है कि हमारे पास कराची में हमारे एक दोस्त रहते थे, दोस्त भी हैं भाई भी हैं बहुत ही अजीज़ हैं, तो उनकी वजह से ये है कि रौनक होती थी। वो आ जाते थे, कभी रात में आते थे कभी दिन में आते थे, तो यहीं पे वो जॉब वगैरह करते हैं। तो अभी वो चले गए हैं क्वेटा, अब वो रहते हैं क्वेटा में। तो अल्लाह पाक उनको सेट करे, खुश रखे जहाँ भी रहें। अगर वो वहाँ पे खुश तो हम भी खुश। तो ये है कि फ़ोन पे बात बात हो जाती है लेकिन वो रौनक नहीं गई बिल्कुल भी। क्या कर सकते हैं, जिसके जहाँ दाना पानी लिखा होता है, जो मुकद्दर में होता है वही होता है। बहरहाल अगर दिल इंसान के दूर नहीं होते ना तो दूर रह के भी इंसान गरीब होते हैं। तो अब करते हैं नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ के उसके बाद बाकी की तैयारी करती हूँ। जी तो YouTube फैमिली, अभी अफ्तारी में तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुआ कर रहे हैं। तो अभी भाई आ रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं टेबल पे नहीं लगाती हूँ, आज नीचे ही बैठते हैं। तो नीचे मैंने चीज़ें लगा दी हैं, खाना हम लोग थोड़ी देर के बाद खाते हैं, तो इसलिए अभी भाभी चीज़ें भी सेट कर रही है, रख रही है। तो ये है कि भाई भी आ रहे हैं, दरवाज़ा बज रहा है, मैं अब बस करती हूँ, बंद कर रही हूँ वीडियो। तो अफ्तारी करके इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।